ग्रामीणों की लगातार शिकायत पर अचानक सड़क की गुणवत्ता जांचने सड़क पर उतरे कसडोल विधायक संदीप साहू। बुनियादी सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क की गुणवत्ता जांचने लोगों से सीधे रूबरू हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हाल ही में कसडोल विकास खंड के ग्राम छरछेद मॉडल स्कूल कोट का छाछी सेल से मोतीपुर सड़क का गुणवत्ताहीन निर्माण ठेकेदार द्वारा बनाया गया। इस सड़क के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क में ठेकेदार द्वारा पहले ना तो अच्छे से पानी डाला गया और ना ही क्वालिटी युक्त मटेरियल में डामर और इमल्सन का उपयोग किया गया। ज्यादातर इस सड़क निर्माण में डामर की जगह जले ऑयल का छिड़काव किया गया, जिससे गुणवत्ता में कमी देखी जा सकती है। ग्रामीणों का आरोप था कि ठेकेदार सड़क के बगल की मिट्टी को जेसीबी से खोदकर सड़क के ही बगल में डालकर बिखराव किया गया। साथ ही इस सड़क को पैर से खुरचने से परत दर परत सड़क से मटेरियल उखड़ जा रहा है। वही शिकायत से त्वरित संज्ञान लेते हुए खुद कसडोल विधायक संदीप साहू गुणवत्ताहीन सड़क की जांच करने मौके पर पहुंचे। इस दौरान बलौदा बाजार से सड़क संबंधित इंजीनियर और अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में रोड का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सड़क की क्वालिटी को पैरों से रौंदकर दिखाया, जिसमें यह देखा गया कि सड़क पैरों से रौंदने मात्र से उखड़ गया। ऐसा निर्माण किया गया, सड़क को जगह जगह चेक किया गया, जहां रोड के सभी जगह ऐसे ही उखड़ते हुए नजर आया। गुणवत्ताहीन निर्माण देखकर विधायक संदीप साहू अधिकारियों पर भड़के कि ऐसा काम नहीं चलेगा। ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत सही पाया गया, ठीक से काम कराओ, लोगों की बुनियादी सुविधाओं पर ढाका मत डालो, भ्रष्टाचार करना बंद करो। वही मौजूद अधिकारी कागज में बनी रोड को दिखाने लगे और अपनी ओर से सफाई देते दिखे, लेकिन गुणवत्ताहीन रोड की माली हालत देख के वो मूक दर्शक बने रहे। आप देखो दोहरा बात मत करो सर, अभी शोल्डर का काम है, आप रोड की गारंटी देसी है ही। इनका नाम क्या है सर? शोल्डर वाटर काम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दोनों आओ, इधर आओ। क्या नाम आपका? इग्नेश कुर्रे। इग्नेश कुर्रे जी, और आपका? प्रमोद निर्मलकर सर। प्रमोद निर्मलकर, दोनों इस रोड की गारंटी ले रहे हैं। ले रहे हो ना रोड की गारंटी? उखड़ेगा नहीं। 5 साल की गारंटी ठेकेदार ने मिलने के लिए रोड का आप ले रहे हो ना? आप 5 साल की गारंटी है सर, हम भी गारंटी ले रहे हैं। अधिकारी कौन है? मैं ठेकेदार को। हम बिल्कुल हम है सर। जो ग्रामीण है और सरपंच लगातार शिकायत कर रहे थे और न्यूज़पेपर के माध्यम से मेरे को जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे जो सड़क बन रही सी एम जे एस वाई के अंतर्गत, वो सड़क में गुणवत्ताहीन जो सड़क बनाई जा रही, रातों रात सड़क बनाई गई और ठेकेदार को लगातार हमारे जो सरपंच और ग्रामीणों ने आगाह भी किया कि भाई सड़क का जो गुणवत्ता कम है, आप इसको ठीक कराइए, लेकिन अधिकारी लगातार इस सड़क को ना चेक करने आए, इनका जो शिकायत है उसके अनुसार, और ना ही सड़कों को इन्होंने अपने मॉनिटरिंग में बनाया। तो मैं आज खुद इनके शिकायतों पर लगातार शिकायत होने पर आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और सभी मीडिया के साथी को भी मैंने अवगत कराया था कि आप खुद आके सड़कों की खुद भी जाँच करें। लगातार यहाँ बताई जा रही थी कि सड़कों को जैसे ही पैर से थोड़ा सा कुरेदने से ही जो डामर है निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं डामर की जो डेंसिटी, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसमें संदेह है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से सड़क बनाया गया है, उस सड़क की गुणवत्ता भी संदेह है। तो मैंने अधिकारी को बुलाया, अधिकारी ने बकायदा एक वीडियो में हम लोगों को, उन्होंने गारंटी लिया है, मैंने वीडियो में इसलिए गारंटी लिया ताकि हमको पता रहे कि कल के दिन अपने बातों से ना मुकरे। भाई इसका जिम्मेदार ठीक है, ठेकेदार बना के चला जाएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि झेलना हमको है, गाँव वाले रहते हैं। तो अधिकारी की जिम्मेदारी कि सड़क का जो गुणवत्ता की जांच भी वही करता बनाता हुआ है, चाहे वो कहीं भी पदस्थ हो, जान उसका जिम्मेदार वो होता है। तो आज उनसे हम लोग अपील किया, तो एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि ये सड़क बहुत सही बनी है, उनके अनुसार गुणवत्ता भी सही है। तो उन्होंने वीडियो हम लोगों ने गांव वालों ने सब बनाया। देखिए रात के अंधेरे में, तो अंधेरे में बने चाहे दिन में बने, हमको तो सड़क अच्छा चाहिए, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि लगातार जब यहाँ से गुजरेंगे तो गाँव वाले हम लोग को ही शिकायत करते हैं। तो प्रथम दिशा अभी जो यहाँ के जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो अधिकारी, उनके हिसाब से ये सड़क जो है अच्छी पाई गई, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं सड़क तो कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन सड़क है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत ये सड़क योजना बन रहा, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को शिकायत करके इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। सीएम जेएसवाई के अधिकारी भी आए थे, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ आप लोगों की शिकायत थी? नहीं, हमेशा हम लोग शिकायत कर रहे हैं, पहले तो इन लोग धूल से हम लोग ग्रसित थे, उनके बाद शिकायत करने पर इसके डामरीकरण किया और रातों रात बनाकर वो मतलब चले गए। न यहाँ मतलब डामर का स्थिति दिख रहे हैं, न उसका क्वालिटी दिख रहे हैं।
अब विधायक जी को बार बार अवगत कराने पर ये आप मीडिया भाई आकर इस सब को अवगत भी हो गया और ये गुणवत्ताहीन पाया गया। अधिकारी लोग क्या कहे, मुख्यमंत्री से इसका मतलब सीधा शिकायत करेंगे, उसके बाद फिर से नया सड़क बनाने का प्रयास करूंगा बोला। अगर नहीं बना रहेगी हम लोग का रूपरेखा रहेगा फिर आकर आक्रोश करेंगे और यह सड़क में आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद साहू, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कोर्ट का।